लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने के इरादे से विपक्ष को एकजुट कर तीसरे मोर्चे को धार देने में जुटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 19 जनवरी को ब्रिगेड के मैदान से चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगी। शुक्रवार को तृणमूल भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ब्रिगेड वह मंच होगा जहां भाजपा के खिलाफ सभी विरोधी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही हाल ही में मायावती द्वारा कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने के फैसले पर सीएम ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया तथा कहा कि ब्रिगेड में उनकी तरफ से बसपा और कांग्रेस दोनों को ही न्योता दिया गया है। इसके साथ ही बंगाल में भाजपा की मजबूत होती जमीन को कमजोर करने के उद्देश्य से सांगठनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल में तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष व सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय, मंत्री शुभेंदु अधिकारी और फिरहाद हकीम का दायित्व बढ़ाया गया है, जबकि दक्षिण 24 परगना के पार्टी जिला अध्यक्ष शोभन चटर्जी को हटाकर सांसद सुभाषीष चक्रवर्ती को जिला का दायित्व दिया गया है। जब पूजा को देता है तब बोलता है कोर्ट में जाके बीजेपी रुकता है। इसमें आप एक बात समझिए, रुपया तो हम लोगों ने दे दिया, आपका पास चला गया, कैसे हम वापस ले आए? अरे तो डिसीजन आज नहीं, एक महीना पहले हुआ था। और एक जो देखी सुनछी सभी नजरे आसछे এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কে যখন একটা ভিডিও ভাইরাল হয় তখন তো আমিও সোশ্যাল নেটওয়ার্ক দেখি, আমি দেখি টুইট টুইট করি, আপনারা জানেন আমার নজরেও এসছে। আমার মনে হয় লাভ উইল টেক ইটস ওভার, কিছু করা যাবে না, যারা দুর্বল তারা এগুলো করে, আমরা এগুলো করি। আমার তো কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো অফিসের সঙ্গে কথা বলতে হয় না, বিকজ আই রেসপেক্ট ইচ এন্ড এভরিবডি, আই ক্যানট ডিসক্রিমিনেট স্টেট অফিসার অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রাল অফিসার।